अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में हमने फोर्थ यूनिट के रिड्यूस सिलेबस में जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ यूनिट में जो प्रैक्टिकल है उसकी। हमारे पास फोर्थ यूनिट में एक प्रैक्टिकल है जिसमें हमें HCl गैस प्रिपेयर करनी है। तो पहले हम इस प्रैक्टिकल को नोट डाउन करेंगे, फिर इंशाल्लाह क्लास में मैं आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना जो है वो बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म किया जाएगा। आपने ये अपने प्रैक्टिकल जो फाइल्स हैं आपकी, उसमें आपने ये प्रैक्टिकल उतारना है। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना होगा फोर्थ यूनिट का। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपने लिखना है, ऑब्जेक्ट की हेडिंग डालनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है टू प्रिपेयर HCl गैस एंड स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे रिक्वायरमेंट्स की, इस प्रैक्टिकल में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमें लिखनी है इस हेडिंग के अंदर। तो हम इसमें लिखेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब, क्रिस्टल फनल, डबल बोर कॉर्क, गैस जार्स, आयरन स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद थर्ड हेडिंग है जी थ्योरी की हेडिंग डालेंगे और उसमें हमने लिखना है इन लेबोरेटरी HCl गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। और ये इक्वेशन आपको लिखनी है NaCl प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HCl। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी मेथड की, और मेथड में आपने लिखना है टेक सम क्वांटिटी ऑफ NaCl इन राउंड बॉटम फ्लास्क, क्लोज द फ्लास्क, पास द डिलीवरी ट्यूब थ्रू होल्स एंड ऑल्सो पास थिस्टल फनल, प्लेस द फ्लास्क ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड ऑल्सो पास अदर एंड ऑफ डिलीवरी ट्यूब थ्रू अ लिड इन टू अ गैस जार। Now pour some concentrated sulfuric acid through thistle funnel. Heat the flask if necessary. HCl gas will come into a gas jar. ये method है आपके पास। इसके बाद next heading जो है वो आपने ये डालनी होगी जी experiment। ये actual में एक table form में आपने बनाना होगा। Table में तीन columns होंगे, एक experiment का, observation का, result का। Experiment के column में आपने लिखना होगा introduce a glass rod tipped in NH4OH solution into a gas jar filled with gas. ऑब्जर्वेशन के कॉलम में आपने लिखना है व्हाइट फ्यूम्स आर प्रोड्यूस, और रिजल्ट के कॉलम में आपने लिखना होगा अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट डाउन करने के बाद आपने जो इसका ब्लैंक पेज है उसमें ये डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है। ये पूरा सेटअप है आपके इस प्रैक्टिकल का। इंशाल्लाह इस प्रैक्टिकल को मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होगा। तो ये डायग्राम आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर, प्रैक्टिकल की डायग्राम आपने ब्लैंक पेज पे बनानी होगी। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके जो वाइवा क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल के वो देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।